द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। यह युद्ध धुरी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, जापान, इटली और मित्र राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। परमाणु बम का पहली बार इस युद्ध में उपयोग किया गया। मंगोल आक्रमण 13वीं सदी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इस दौरान करीब 40 मिलियन लोगों की जान गई। उनकी क्रूरता और तेजी से फैलते आक्रमण ने एशिया और यूरोप के कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। महान युद्ध के नाम से जाना जाने वाला यह युद्ध लगभग 16 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना। इसमें पहली बार आधुनिक युद्ध तकनीकों जैसे टैंक, विमान और रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध ने यूरोप का मानचित्र बदल दिया। 30 साल का युद्ध 1618 से 1648। यह युद्ध यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच धार्मिक और राजनीतिक कारणों से शुरू हुआ। इस युद्ध में 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई और युद्ध का अंत वेस्टफेलिया संधि के साथ हुआ। चीनी गृह युद्ध में चीन की कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी सेनाओं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें करीब 8 मिलियन लोग मारे गए। यह युद्ध आधुनिक चीन की नींव का कारण बना और चीन को एक साम्यवादी देश बना दिया। नेपोलियन युद्ध। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में लड़े गए इन युद्धों में करीब 3.5 से 6 मिलियन लोग मारे गए। नेपोलियन का उद्देश्य यूरोप पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, लेकिन वाटरलू की लड़ाई में उनकी हार के बाद उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। रूस की गृह युद्ध। यह युद्ध बोल्शेविकों और झार समर्थकों के बीच लड़ा गया, जिसमें 7 से 12 मिलियन लोग मारे गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हुई और रूस में साम्यवाद की शुरुआत हुई। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 तक लड़ा गया। यह युद्ध उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया, जिसमें लगभग 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने भी भाग लिया। युद्ध का अंत संघर्ष विराम के साथ हुआ, लेकिन कोरिया का विभाजन स्थायी हो गया। वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक लड़ा गया। यह युद्ध उत्तर वियतनाम, जो सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित था, और दक्षिण वियतनाम, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, के बीच लड़ा गया। इस संघर्ष में लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। युद्ध के अंत में वियतनाम को साम्यवादी नियंत्रण में कर दिया गया। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक लड़ा गया। यह युद्ध ईरान और इराक के बीच लड़ा गया, जिसमें लगभग 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए। यह युद्ध 8 साल चला और अंततः बिना किसी स्पष्ट परिणाम के समाप्त हुआ, लेकिन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरा धक्का पहुंचा। यह स्क्रिप्ट दुनिया के इतिहास की उन 10 घातक लड़ाइयों पर प्रकाश डालती है, जिनमें सबसे अधिक लोगों की जान गई और जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।